हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 एक्सरसाइज 2C, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्न और आगे अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो 7275277795 पर अपना नाम और क्लास लिखकर भेज दें, जिससे आपको ग्रुप पर जोड़ दिया जाए। और साथ ही अगर आप प्लेलिस्ट पर जाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पर आ रहा है, और अगर आपने मेरा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक भी ऊपर आई बटन पर आ रहा है, वहाँ से जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2C जो विविध प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन से। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, जिसको हम हल करेंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई सिक्स कॉस इनवर्स पाई प्लस पाई बाई सिक्स, यानी कि हो जाएगा तीसरा चतुर्थांश और तीसरे में कॉस कैसा होता है माइनस का, तो माइनस कॉस पाई बाई सिक्स हो जाएगा। और कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला लिखवाया था पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई सिक्स, कॉस इनवर्स से कॉस छूट जाएगा तो बन जाएगा पाई माइनस पाई बाई सिक्स, सिक्स पाई माइनस पाई बाई सिक्स, तो आंसर आएगा 5π/6, बी ऑप्शन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। साइन इनवर्स 1 - x माइनस 2 sin inverse x बराबर π/2, तो x का मान बराबर पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए साइन इनवर्स 1 - x बराबर π/2, इसको उधर भेज देंगे प्लस 2 sin inverse x। इस साइन इनवर्स को उधर भेज सकते हैं 1 - x साइन π/2 प्लस 2 sin inverse x 1 - x, तो 90 + θ साइन 90 + θ दूसरा चतुर्थांश, और दूसरे में साइन होता है प्लस का, तो बन जाएगा कॉस 2 sin inverse x। समझ गया ना, ये साइन 90 की वजह से बदल गया, कॉस बन गया। अब 1 - x कॉस, अब 2 sin inverse x का वो फॉर्मूला लगा देंगे जो कॉस इनवर्स के रूप में हो, ताकि इस कॉस से वो कॉस इनवर्स छूट जाए। तो याद कर लीजिए 2 sin inverse x जो होता है कॉस इनवर्स 1 - 2x² ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पर लगने जा रहा है कॉस इनवर्स 1 - 2x². कॉस से कॉस इनवर्स छूट जाएगा तो बनेगा 1 - x 1 - 2x² इधर बुला लेंगे तो 2x² - x बराबर 0, ये प्लस का वन 0 बन जाएगा। x कॉमन ले लेंगे 2x - 1 बराबर 0, x बराबर 0,
टू एक्स माइनस वन बराबर ज़ीरो, टू एक्स बराबर वन, एक्स बराबर एक बटे दो। ये आ गया हमारा आंसर, क्लियर है। तो इस तरीके से इसे हम लोग लगा सकते हैं। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर तीन पर। ए बराबर टेन इनवर्स एक्स, तो साइन टू ए का मान बताओ। साइन टू ए बराबर क्वेश्चन मार्क, तो लिखेंगे साइन टू ए बराबर साइन टू ए का मान रख देंगे टेन इनवर्स एक्स साइन टू टेन इनवर्स एक्स का ऐसा फॉर्मूला लगा दीजिए जो साइन इनवर्स के रूप में हो। तो आपको याद है टू टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स के रूप में लिखना आया है, तो क्या बनेगा साइन इनवर्स टू एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। अभी साइन से साइन इनवर्स छूट जाएगा हमारा, तो आंसर आ जाएगा टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया साइन टू ए का मान। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। टेन इनवर्स रूट तीन माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट तीन। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, टेन इनवर्स रूट थ्री लिखा है तो लिखेंगे टेन पाई बाई टेन, साठ का मान होता पाई बाई थ्री और माइनस, और कॉट इनवर्स माइनस पाई बाई थ्री है तो माइनस बाहर आएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट तीन। तो ये बन गया पाई बाई थ्री, ये माइनस पाई यहाँ पर, और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, और कॉट में रूट तीन मान कितने का होता है तीस का, यानी पाई बाई सिक्स। तो ये 30 और ये 60 मिलकर पाई बाई टू 90 बन जाएगा, और माइनस का पाई, तो आंसर आ जाएगा माइनस का पाई बाई टू। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच पर। साइन टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो लिखा हुआ साइन टेन इनवर्स एक्स, तो ये बन जाएगा साइन टेन इनवर्स को लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, और टेन इनवर्स को क्या लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स बटे अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। डायरेक्ट हमारा फार्मूला ही होता है, वही फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। चल देते हैं प्रश्न नंबर छः पर। साइन पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस एक बटे दो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास साइन पाई बाई थ्री और साइन इनवर्स माइनस एक बटे दो। तो साइन इनवर्स माइनस एक बटे दो है, तो जब भी साइन के साथ माइनस लगा होता है तो साइन से वो माइनस बाहर डायरेक्ट आ जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा प्लस साइन एक बटे दो। साइन पाई बाई थ्री
प्लस साइन एक बटे दो मान कितने का होता है, पाई बाई सिक्स, साइन इनवर्स है यहाँ पर। तो ये बन गया 30 60 90, तो साइन पाई बाई टू, और साइन 90 का मान एक होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर आ सकता है। चल देते हैं प्रश्न नंबर 7 के पार्ट दे रखे हैं। पहला है साइन इनवर्स माइनस एक, तो माइनस साइन इनवर्स एक, क्योंकि साइन इनवर्स में माइनस डायरेक्ट पढ़ा जाता है, माइनस साइन इनवर्स साइन 90 का मान, तो इनवर्स से साइन हट जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का पाई बाई टू। दूसरा पार्ट देखें, सेक इनवर्स माइनस रूट दो, तो सेक इनवर्स में भी आपको ये माइनस जब बाहर लाना है तो पाई माइनस सेक इनवर्स रूट दो बनेगा, तो पाई माइनस सेक इनवर्स सेक पाई बाई फोर, तो बनेगा पाई माइनस पाई बाई फोर, तो आंसर आ जाएगा 3π/4। तीसरे पार्ट पर चलते हैं, कॉट इनवर्स माइनस एक बटे रूट तीन, तो कॉट में माइनस बाहर चाहिए, पाई कॉट इनवर्स एक बटे रूट तीन, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट एक बटे रूट तीन, तो जो मान होता है 60 का, पाई बाय थ्री, पाई माइनस पाई बाय थ्री, यानी आंसर आ जाएगा 2π/3। चौथा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसके साथ पाई के साथ बाहर आएगा माइनस और किस में डायरेक्ट, ये तो सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है। साइन इनवर्स ये बन जाएगा साइन पाई बाई फोर, तो आंसर आ गया पाई बाई फोर। पांचवे पार्ट में सेक इनवर्स दो बटे रूट तीन, तो सेक इनवर्स सेक 30 का मान है पाई बाई सिक्स, आंसर आ गया पाई बाई सिक्स। बिल्कुल सिंपल थे, मुख्य मान निकालने थे। ऐसे चल देते हैं आठवें में भी पार्ट दे रखे हैं। पहला है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, अब इसको कैसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 2π/π/6। अब देखिए बनेगा कॉस इनवर्स और 2π/π/6, पहला चतुर्थांश बनेगा, 360 + θ पहला ही होता है और पहले में सारे प्लस के, तो ये बन जाएगा कॉस पाई बाई सिक्स, तो आंसर आ गया पाई बाई सिक्स। दूसरे पार्ट पर चलते हैं, टेन इनवर्स
टेन सेवन पाई बाई सिक्स, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, टेन इनवर्स टेन पाई प्लस पाई बाई सिक्स। टेन इनवर्स अब टेन 180 प्लस थीटा है तो तीसरा चतुर्थांश बनेगा, तीसरे चतुर्थांश में टेन प्लस का होता है तो बन जाएगा टेन पाई बाई सिक्स, फिर से टेन वर्से टेन छूट जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई बाई सिक्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और आपको बढ़िया से समझ में आ भी गया होगा। चल देते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। टेन इनवर्स 3/4 बराबर a, तो साइन a का मान पूछ रहा है, तो हमें साइन a का मान निकालने के लिए ये लिखा साइन और a का मान दे रखा है टेन इनवर्स 3/4। साइन और टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में लिखना आपको मालूम है कैसे लिखा जाता है, साइन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1+x² 3/4। साइन से साइन इनवर्स छूट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/4 × 16 = 9 = 25 25 × 5 बन जाएगा, 16 × 4 बन जाएगा, 4 × 4 क्या हो गया कट गया, आंसर आ गया 3/5। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। चल देते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू, तो सिद्ध करना है कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई, तो कितना सिंपल है लिखेंगे, चूंकि कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स सॉरी कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू, तो ये उधर जाएगा, क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स वाई जो होता है वो बन जाता है साइन इनवर्स वाई, फार्मूला आपको लिखवाया था मैंने, ठीक है यही सिद्ध करना था। चल देते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। सिद्ध करने हैं, तीन पार्ट दे रखे हैं, पहला पार्ट 2 sin inverse 3/5 बराबर 10 inverse 24/7। तो कैसे करेंगे, यहाँ ले लेंगे LHS, टू साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स में बदल देंगे, टेन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 - x² 3 × 9 = 25। टू टेन इनवर्स 3/5, 25 × 25 में से 9 चले गए, 16/25 16 × 4/5 5 से 5 कट गया 3/4 आ जाएगा,
टू टेन इनवर्स 3/4, और हमें चाहिए टेन इनवर्स, तो टू टेन इनवर्स का एक्स का टेन इनवर्स के पदों में फार्मूला लगा दीजिए। तो क्या फार्मूला लिखवाया था, टेन इनवर्स 2x, एक्स का मान है 3/4 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 9/16, तो बन जाएगा टेन इनवर्स, इससे ये कटेगा यानी 3/2, 16 कम 16, 16 में से 9 गए 7/16, बट्टे के बट्टे गुणे में पलट जाएंगे तो टेन इनवर्स 3/2 गुणे 16/7, 2/8 16, तो टेन इनवर्स 24/7 हमारा आंसर आ गया। चल देते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 77/85। अब इस क्वेश्चन को फिलहाल हम लोग 2B में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 2B का 5वां क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा देंगे। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आठ का 64 और 17 का 289 प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 3/5, 289 में से 64 चले जाएंगे तो 15/17 बचेगा, 8/17 गुणे 25 कम 25 में से 9 चले जाएँ, 16 16 का 4 बनेगा, 25 का 5 बनेगा, तो बनेगा साइन इनवर्स, फिलहाल यहाँ कट रहा है लेकिन हम नहीं काटेंगे, 15 3 45/17 5 85 प्लस 8 4 32/85। देखिए हर समान आ गए, इसीलिए नहीं काटा था क्योंकि हर समान दिख रहे थे हमको, तो बन जाएगा साइन इनवर्स 77/85। चल देते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65। तो इसको भी ऐसे सिद्ध कर लेंगे, LHS ले लेते हैं, जब LHS लेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला लगा देंगे। कॉस इनवर्स एक्स वाई यानी 4/5 गुणे 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस वाई स्क्वायर, तो बन जाएगा कॉस इनवर्स 48/65, 25 में से 16 गए 9/25, 169 में से 144 चले गए 25/169, 25 से 25 कट जाएगा, कॉस इनवर्स
अड़तालीस बटे पैंसठ माइनस 3/13। लासा ले लेंगे, कॉस इनवर्स 65 लासा, 48 माइनस 13 25 65, 5 3 15। 48 में से 15 घटा देंगे तो कॉस इनवर्स 33/65। तो इस तरीके से इसे हम लोग लगा सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बटे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बटे 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स। तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2 टेन इनवर्स ए माइनस 2 टेन इनवर्स बी, क्योंकि 2 टेन इनवर्स एक्स ए का कॉस इनवर्स के पदों में यही फॉर्मूला बनेगा बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स। अब 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग तो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी बराबर टेन इनवर्स एक्स। अब मान लेंगे, माना टेन इनवर्स ए बराबर कैपिटल ए, तो टेन ए बराबर ए। टेन इनवर्स बी बराबर बी, तो टेन बी बराबर बी। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर रख देते हैं, क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स ए जिसका मान कितना होगा ए कैपिटल ए माइनस टेन इनवर्स बी यानी कैपिटल बी बराबर टेन इनवर्स एक्स। टेन इधर पे दीजिए, टेन ए माइनस बी बराबर एक्स। फॉर्मूला लगा देंगे, टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है। और टेन ए का मान टेन बी का मान सब मालूम है, ए माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी। ये आ गया हमारे पास एक्स का मान। तो इस तरीके से हम लोग इसे लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर जो 13 है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, बिल्कुल हूबहू है, कोई भी अंतर ही नहीं है। तो वो आप अपने आप लगा के देखिए, और अगर आपसे ना लगे तो आप एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 15 देख लें। अगर ना लगे, फिलहाल तो आप अपने आप लगाइए, और जब ना लगे तो आप क्वेश्चन नंबर 15 देख लें, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई भी परिवर्तन नहीं है, लेकिन नकल ना करें, पहले लगाएं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ में।